पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में आज मकर संक्रांति है और दही चूड़ा के कार्यक्रम से सियासत खूब मच रही है। दही चूड़ा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पर पहुंचे और वहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार ललन सिंह का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने के साथ ही दही चूड़ा के कार्यक्रम में नीतीश लालू में भी बातचीत हुई। एक चुप्पी जो कितने दिनों से लगातार लालू नीतीश के बीच मची हुई थी, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दही चूड़ा और तिलवा खिलाकर वो चुप्पी को तोड़वा दिया है। एक तरीके से कहे तो बिहार में जहां तिलवा और दही चूड़ा को लेकर सियासी खिचड़ी पक रही थी, आज उस पर नीतीश कुमार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के इतर अगर भारतीय जनता पार्टी की बातचीत की जाए तो सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा के साथ मिलकर आज पटना के गरीबों के बीच में कंबल वितरण का कार्य किया है। जहाँ एक तरफ बिहार में ठंड के प्रकोप से स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई हैं, गरीब सड़कों पर हैं, उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इससे संदेश देने की कोशिश की है कि हम दही चूड़ा पर सियासत नहीं करते हैं बल्कि गरीबों के बीच रहते हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आवास पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। सम्राट चौधरी मौजूद हैं, जो विधायक हैं संजीव चरेसिया वो भी मौजूद हैं, तमाम दिग्गज नेता वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से कंबल वितरण का कार्यक्रम वहाँ पर किया जा रहा है। इधर दही चूड़ा के सियासत से राजनीतिक माहौल बिहार में गर्म है। तमाम विषयों पर सम्राट चौधरी ने भी अपनी राय रखी है। साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर जो विरोध इन दिनों पूरे देश भर में चल रहा है, उस पर भी सम्राट चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। देखिए, स्वाभाविक है, लगातार आर के सिन्हा जी का परिवार इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहा है और आज ऋतुराज सिन्हा जी के नेतृत्व में गरीबों के बीच में कंबल वितरण एक पुण्य का कार्य है। उस कार्य में हम लोग माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, मैं स्वयं, सभी लोग मिलकर सब गरीबों का कल्याण हो, ठंडा से बचे, इसकी कामना भी करता हूँ। सबको मकर संक्रांति का फिर से बधाई देता हूँ। सर, राम मंदिर का निमंत्रण नरेंद्र राम कह रहे हैं कि अच्छा तभी बांट रहे हैं बीजेपी के लोग, आगे चल के देश को जलाकर उसका राग काटेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है उसके लिए कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जिसने राम भगवान के आंदोलन को ही जेल में बंद करने का काम किया था, इन लोगों के बारे में क्या कहना है। और मैं बार बार कहते रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के वंशज नीतीश कुमार जी और प्रभु श्री कृष्ण के वंशज लालू प्रसाद जी, और हमको शास्त्र में पढ़ाया गया कि ये दोनों दो युग में आए और दोनों एक ही हैं, तो सबको जाना चाहिए भगवान राम की पूजा करने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।